हाय किड्स, हाय सब। देखो ये हमारा चैप्टर नंबर 15। क्या चैप्टर का नाम है? हाउ मैनी पोनी टेल्स। ठीक है, पोनी टेल्स मतलब चुटिया। देखो पोनी टेल्स का मतलब देखो क्या होता है। देखो ये कहाँ है, हम गूगल में, तो गूगल में हम क्या टाइप करेंगे? पोनी चुटिया टेल। देखो पोनी टेल मतलब चोटी। देखो क्या है पोनी टेल्स, ये देखो, यहाँ देखो, देखो ये सारी क्या है, पोनी टेल्स चुटिया। अलग अलग टाइप की होती है ना सबकी चुटिया। ये देखो ये सारी पोनी टेल्स हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। लेटर्स इन नेम्स। देखो सब बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं और सबके नाम के जो अक्षर होते हैं उनमें ABCD लिखे होते हैं। जैसे आपका नाम मयंक है, तो मयंक की स्पेलिंग क्या होती? MAYANK। अब देखो, अब हम इन्हें एक गेम खेलना है। आस्क योर फ्रेंड्स टू राइट देयर नेम्स ऑन अ पेपर। सब बच्चों को अपने अपने पेपर पे क्या करने हैं? नाम लिखने हैं। ठीक है, सब बच्चे नाम लिख सकते हैं? यस सर। सब बच्चों को अपने अपने नाम की स्पेलिंग आती है? यस सर। हम यहाँ नोट करते हैं, नोट करते हैं। याद है बेटे? बताओ एक बच्चा, सबसे पहले बताओ, अंशिका बताओ। ओके, दूसरा बच्चा बताओ। क्या फिर से बोलो? टी ए एन यू जे ए। तनुजा, ओके। एम एम ए ए वाई ए एन के। ओके, एस एच आई यू यूनी वी ए एन आई। और बताओ, इसी तरह बताओ, इसी तरह आर, इसी तरह बताओ। ओके, आर, एक बच्चा और बताओ। आर आई टी एस एच, रितेश। ठीक है, बताओ। आई आई एस एच एन टी, एस एच एन टी, ईशांत। ठीक है, डबल ए डी आई आदि। ओके, एन ए एन सी वाई। ओके, और ए एन I K E T। ओके, अब पता कर था। A A A A K। हाँ A हाँ N हाँ H A। सब बच्चों के आ गए? Yes sir। One two। हाँ बताओ। S S O P N A K S H I। ओके, देखो कितने बच्चों के आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 बच्चों के आ गए। अब देखो यहाँ पर, देखो हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, ये दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ नेम्स एंडिंग विद द सेम लेटर। अब देखो जो भी ये नाम है ना, जो ये नाम हमने लिखे हैं इसमें, इस नाम के लास्ट में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, कुछ अल्फाबेट्स हैं जैसे ABCD कुछ है ना इसमें लिखे हुए। अब वो ये बोल रहे हैं कि जिन जो भी ये नाम है, कितने ऐसे नाम है जिनके लास्ट में एक ही लेटर आ रहा है, एक ही अल्फाबेट आ रहा है। जैसे इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ए। ए इसके टी, टी। फिर ए आ रहा है, ए नहीं आ रहा लास्ट में। टी। फिर इसके लास्ट में क्या आ रहा है? एल। आई। आई। फिर इसके ए। ए। फिर इसके एच। फिर टी। फिर इसमें आई। ठीक है, तो इसके मतलब ज्यादातर जो नाम है उनके लास्ट में क्या आ रहा है? ए। ठीक है, तो कितने ऐसे नाम है जिनके लास्ट में ए आ रहा है? एक तो अंशिका है, तनुजा है, दो, फिर तीन और चार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ओके, अब वो बोल रहे हैं कि तुमने कोई ऐसा लेटर ढूंढना है, ऐसा अल्फाबेट ढूंढना है जिसके जिसके जिससे मतलब किसी का नाम भी शुरू नहीं होता। हाँ, ओ, ओ, ओ से किसी का भी नाम नहीं, हाँ ओ से शुरू नहीं होता, और पी जेड 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 वाई एक्स एक्स, बहुत सारे ऐसे हैं ना, डब्ल्यू, जिससे किसी का भी नाम शुरू नहीं हो रहा। ओके, ठीक है, समझ आ रही है? बी। अब देखो
यहाँ पर एक फ्रूट सेलर है जो कि मतलब क्या क्या बेचता है ये फल, क्या क्या फल है इसके पास, बनानास हैं, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेज हैं, ठीक है, और मैंगो भी हैं, मैंगो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखो, अब आपने काउंट करने हैं इसमें एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं, अब इसमें तुमने गिनने की इसके पास कितने एप्पल्स हैं, इसमें एप्पल्स कितने हैं, गिनो, 12, कितने हैं इसके पास, 12। अब बनानास गिनने, बनानास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 7, ओके 7 बनानास हैं इसके पास। और ऑरेंजेस गिनने हैं, ऑरेंजेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, कितने ऑरेंजेस हैं, 9। और मैंगोज तो इसमें दिए नहीं हुए, लेकिन मैंगोज भी गिन लो, मैंगोज कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 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 7